हेलो दोस्तों दोस्तों, यूके से आ रही है एक बहुत ही बढ़िया खबर। और जो भी 2023 में यहाँ पर पढ़ने आने वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये खबर जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जानदार है। एंड उन लोगों की यहाँ पर एक अच्छे से लाइफ बदल जाएगी। अगर जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जो बात यहाँ पर जो यूके गवर्नमेंट करना चाह रही है, अगर वो हो जाती है तो आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे चलो। दोस्तों मैं खबर सुना उससे पहले मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देना चाह रहा हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को 20 फरवरी को 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। एंड इसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक दिन पहले 19 फरवरी को एक मेगा लाइव इवेंट जो है वो अरेंज किया है। लेकिन दोस्तों ये जो लाइव जो है ये चलो यूके चैनल का आखिरी लाइव है। इसके बाद हम कभी कोई लाइव इवेंट नहीं करने वाले हैं, ना कोई लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो दोस्तों संडे का दिन है और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप लोग अपना टाइम निकाल कर संडे को बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके आंसर करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे बात करनी होगी तो भी आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। लेकिन ये इस चैनल के लिए आपका आखिरी चांस रहेगा मेरे साथ वन ऑन वन या कहें कि लाइव स्ट्रीम में जुड़ने का। तो प्लीज डोंट मिस आउट। 19 फरवरी दोपहर के 3 बजे से इंडियन टाइम को आप लोग हमारे साथ लाइव पे जुड़िए एंड हमारी एनिवर्सरी में हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। तो दोस्तों पिछले हफ्ते एक खराब न्यूज देने के बाद यूके की होम सेक्रेटरी सोहेला ब्रेवरमैन ने एक अच्छी खबर भी फाइनली यहाँ पर हमारे लिए डिलीवर करी है कि वो ये है कि भाई यूके गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई इस साल से या नेक्स्ट इनटेक से या कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर से ही सही, लेकिन जो है यहाँ पर जो है स्टूडेंट को जो है वो अनलिमिटेड वर्क परमिट मिले। करंटली जो है जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, चाहे बैचलर्स के लिए आते हैं, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या पीएचडी के लिए आ रहे हैं, कुछ भी करने आ रहे हैं, इनको 20 आवर्स की ही वर्क लिमिट अलाउड होती है। यानी आप एक वीक में 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अब जो यूके गवर्नमेंट जो सोच रही है वो ये सोच रही है कि या तो इस लिमिट को बढ़ाकर 30 आवर्स या उससे भी थोड़ी ज्यादा किया जाए। लेकिन उसके बाद एक सजेशन तो ये भी आया है कि भाई यार ये निकाल ही दो, क्योंकि क्या हो रहा है कि यूके में अभी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर क्या है कि भाई लेबर्स की, वर्कर्स की बहुत ही शॉर्टेज हो रखी है एंड स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत तंग आते हैं, क्योंकि भाई स्टूडेंट भी जब होता है पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर लेने जाते हैं तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो भी जॉब नहीं दे पाते, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स के पास जो है वो 20 आवर्स की लिमिट होती है और फिर ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स को जो है वो कैश जॉब्स करनी पड़ जाती है या थोड़ा इलीगल जाना पड़ता है 20 आवर्स के ऊपर भी, या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना मैनेज करना पड़ता है। इसी के साथ अभी पिछले कई सालों में जो ये जो पेंडेमिक आया है तो कई कंट्रीज ने अपने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है वो इसी तरह के जो चीजें हैं वो अपनाई है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने पिछले साल या कहें कि पिछले साल से अपने यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर जो वर्क आवर की लिमिट जो थी वो हटा दी थी और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। तो इसी से इंस्पिरेशन लेकर यूके भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों अब उम्मीद तो यही है कि इस साल सितंबर इंटेक तक में या उससे पहले ही शायद ये रूल जो है या ये चीज जो है इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। अब ऐसा है दोस्तों कि पिछले हफ्ते ही ये भी न्यूज आई थी के साथ में कि भाई पीएसडब्ल्यू जो है वो कम हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा या फिर निकल ही जाएगा। लेकिन वो हो या ना हो मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज तो पहले इंप्लीमेंट हो जाएगी कि भाई आप लोगों के जो वर्क परमिट जो है वो स्टूडेंट के वो बढ़ जाया करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि भाई यूके में जो है लेबर शॉर्टेज भरमार है, यानी यूके में बहुत सारी जॉब्स हैं और ये जो स्टूडेंट जॉब्स जो होती है ना ये बहुत होती है अवेलेबल। एक बार के लिए मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपको जो व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है, जो ऑफिस की जॉब्स है वो मिलने में तकलीफ आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास फुल वर्क परमिट अलाउड हो, फुल वर्किंग आवर्स अलाउड हो, तो आपको जो ये स्टूडेंट लेवल की जॉब्स है वो मिलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत जॉब्स अवेलेबल होती है, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में करना चाहें, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में करना चाहें, चाहे वेयर हाउस में करना चाहें, कहीं भी करना चाहें। और उन लोगों की यही एक दिक्कत होती है कि भाई उनको भी एक कहें कि फुल टाइम एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए होते हैं बिना किसी वीजा रिस्ट्रिक्शंस के और बिना किसी झंझट के। क्योंकि अगर आपके पास 20 आवर्स की लिमिट है तो वो या तो फिर आपसे पूरे 2 दिन काम करा सकते हैं या तीन दिन के कुछ गैप में वो लोग काम करवाते हैं, तो ये उनके लिए भी दिक्कत होती है मैनेज करना और फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता है तो कहें कि सबका साथ और सबका विकास इसमें हो ही जाएगा। और फिर रही बात आप लोगों के जो लोन्स है, आप लोगों के जो भी यहाँ के खर्चे हैं या जिस तरह की भी आपकी जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी होने में भी कोई इतनी तकलीफ आएगी नहीं अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आपको फुल वर्किंग राइट्स दे देते। तो मेरी नजर में ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है जल्द से जल्द तो मैं आप लोगों को खुद रेकमेंड करता हूं कि भाई आपको 2023 में इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको पीएसडब्ल्यू मिले या ना मिले, लेकिन आपको यहां पर पढ़ाई और उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं या अपनी लोन्स या जो ये सब जो चीजें हैं इसमें शायद इतनी दिक्कत ना आए। और ये भी मान लेते हैं कि अगर आपको उसके बाद भी अगर सिर्फ 6 महीने या 8 महीने या 1 साल का ही पीएसडब्ल्यू जो मिलता है, जो ओवरऑल जो मैंने टाइमलाइन बताई थी अपने पिछले वीडियो में,
कि अगर PSW का टाइम खत्म भी हो जाता है या कम भी हो जाता है तब भी आपको एक साल मिलेगा। तो ये टाइम भी आपका लोन उतारने के लिए या आपका कहें कि यहाँ से कुछ पैसा बना के जाने के लिए सफिशियंट होता है। बस दोस्तों, अगर मुझे इस पर कोई दिक्कत दिखती है तो वो एक ही दिक्कत दिखती है कि भाई ये चीज हो गई तो इस चीज की तो श्योरिटी है कि जो यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे, खास करके इंडिया से जो आते हैं, उनका ध्यान फिर पढ़ाई में ना रहकर फिर कमाई में चला जाएगा और फिर उनके जो यहाँ पर जो सेटलमेंट के जो चांसेस बन जाते हैं वो फिर कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी डिग्री जो है वो टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे या फिर आप अपने असाइनमेंट्स जो है वो ठीक से सबमिट नहीं करेंगे या टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आपको अपनी डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर यहाँ पर आपकी जॉब की एलिजिबिलिटी में भी इश्यू आएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस ये एक ही प्रॉमिस लेना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है और मेरे जितने भी इस चैनल के व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से आप लोग एक प्रॉमिस कर लेना है, कहेंगे या कहेंगे मेरे लिए एक चीज़ कर लेना कि भाई अगर आप फुल टाइम वर्क भी करो तब भी आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे देना। ये मत करना कि भाई सातों दिन कमाई में चले जाओ या अपनी लोन के पीछे या उसमें उतारने में चले जाओ। तीन चार दिन भी फुल टाइम वर्क कर लोगे बहुत आप पैसा कमा लोगे, बाकी के दो तीन दिन भी पढ़ाई कर लोगे तो आप पास भी हो जाओगे और सब कुछ हो जाएगा। यूके की पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन यस, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लग गए तो पैसा तो आप टेम्पररी तो बहुत बना लोगे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के इसको लंबी गेम खेलने की सोचो, पिच पे थोड़ा ज्यादा टिकने का सोचो और उस हिसाब से यहाँ पर आप अपने आप को यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करना। खूब कमाओ, बढ़िया पढ़ाई करो एंड अच्छा पैसा छापो। मैं तो हर किसी इंडियन के लिए या कहें कि जो भी मेरा इस चैनल के जो व्यूअर हैं, चाहे वो किसी भी देश से देख रहा है, मैं यही चाहता हूँ। तो बस दोस्तों, यही थी आज की न्यूज। आई होप ये न्यूज आपको पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर ये सब चीजें पसंद आई है ना, तो एक काम करना कि पहले तो भाई 19 फरवरी को अपना बुकमार्क लगा लो कि भाई आप लोग लाइव पे जुड़ने वाले हैं। उसके बाद आपको करना यह है कि भाई इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कि भाई एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आ गई है भाई यूके से भी, अब हम भी अच्छा कमा पाएंगे। एंड अगर ये न्यूज एक बार शेयर कर दो, ये वीडियो एक बार शेयर कर दो, तो उसके बाद देख लेना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। वो जो लाल बटन जो है उसमें अब जो है ना वो थोड़ा फीका हो जाना चाहिए, तो बस उस बटन को फीके करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।